हेलो फोटोशॉपर्स, वेलकम टू कोर्स मॉन्स्टा। आज हम फोटोशॉप की बात करेंगे और यह कोर्स बिगनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल कोर्स है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं फोटोशॉप ओपन करूंगी। यह फोटोशॉप एडोबी सीसी वर्जन है जो कि एक लेटेस्ट वर्जन है। आप देख सकते हैं फोटोशॉप ओपन हो रहा है और ये फोटोशॉप ओपन हो चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, फोटोशॉप ग्राफिक डिज़ाइन और फोटो एडिटिंग के साथ साथ मोबाइल और वेबसाइट डिज़ाइंस के लिए भी एक बहुत अच्छा टूल है। और फोटोशॉप में मोबाइल और वेबसाइट डिज़ाइन के कुछ इनबिल्ट फॉर्मेट्स हैं। इस लेसन में मैं सबसे पहले आपको वही फॉर्मेट्स दिखाना चाहूँगी। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे ऑप्शन फाइल, देन न्यू, या आप कीबोर्ड की कंट्रोल प्लस एन से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब देखिए ये ओपन हो चुका है। अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन बनाना है तो आपको ऑप्शन वेब को क्लिक करना होगा। जब मैंने ऑप्शन वेब पर क्लिक किया तो इसमें वेबसाइट डिज़ाइन के बहुत सारे फॉर्मेट्स ओपन हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है वो है 1366x768 पिक्सल्स का, और मेरी स्क्रीन भी 1366 पिक्सल्स की है। इसी प्रकार अगर आपको मोबाइल डिज़ाइन बनाना है तो आपको मोबाइल ऑप्शन को क्लिक करना होगा, और इसमें मोबाइल डिज़ाइन के बहुत सारे फॉर्मेट्स ओपन हुए हैं, जैसे आईफोन, आईपैड, मैक। लेकिन जो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है वो है आईफोन 876 प्लस, जो है 1242x2208 पिक्सल्स का। इसके अलावा आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट डिफाइन करके भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि बिगनर्स फोटोशॉप के इनबिल्ट फॉर्मेट्स पर ही काम करें, क्योंकि ये फॉर्मेट्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं। सपोज आपको वेबसाइट डिज़ाइन बनाना है तो मैं वेब का मोस्ट कॉमन फॉर्मेट जो पहले से ही सिलेक्टेड है उसको क्रिएट करूँगी। इसको क्रिएट करने के बाद हमारे पास एक आर्ट बोर्ड ओपन हुआ है जिसको हम कैनवस या न्यू डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, और आपको इसी कैनवस पर काम करना है। अगर आपका डिज़ाइन इस कैनवस से छोटा या बड़ा है तो घबराने की बात नहीं है, आपको दोबारा डिज़ाइन नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि आप इसी कैनवस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें जाना होगा ऑप्शन इमेज, उसके बाद कैनवस साइज, या आप कीबोर्ड की ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी से भी इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये देखिए कैनवस साइज ओपन हो चुका है। इसमें कैनवस के विड्थ और हाइट इंचेस में है, लेकिन हम इसको पिक्सल्स में चेंज करेंगे, क्योंकि पिक्सल्स पर काम करना बहुत ही आसान है, इसको हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको पिक्सल्स में चेंज करूँगी। अब देखिए ये पिक्सल्स में चेंज हो गया है, और स्टार्टिंग में भी मैंने विड्थ और हाइट पिक्सल्स में ही ली थी। अब ये हो गया है चेंज। अब अगर आपको कैनवस को टॉप से मॉडिफाई करना है तो आपको इसको बॉटम से डिसेबल करना होगा। अब देखिए बॉटम से डिसेबल हो चुका है, तो आप इसकी टॉप से हाइट मॉडिफाई कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, विड्थ आप लेफ्ट और राइट से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैनवस को बॉटम से मॉडिफाई करना है तो आपको टॉप से इसको डिसेबल करना होगा। अब देखिए ये टॉप से डिसेबल हो चुका है, इसी प्रकार आप इसकी हाइट और विड्थ मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कैनवस को टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से मॉडिफाई करना है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मान लीजिए विड्थ मैं ले लेती हूँ 1500, हाइट मैं ले लेती हूँ 900, उसके बाद जो मैं ओके करूँगी तो आप देख सकते हो कि हमारा कैनवस जो है वो मॉडिफाई हो चुका है। अब मैं पिक्सल्स की बात कर रही थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी फॉन्ट ले रहे हो वो भी पिक्सल्स में ही हो। इसको देखने के लिए हमें टेक्स्ट टूल पर जाना पड़ेगा। हम टेक्स्ट टूल से देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट पिक्सल्स में है या नहीं।
इसके लिए मैं डमी टेक्स्ट लूंगी। उसके बाद मैं देख सकती हूँ कि जो मेरा फोन साइज है वो है पीटी 60 PT, यानी कि पॉइंट्स में, जो कि पिक्सल्स में नहीं है। तो हम इसका फोन टाइप भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हमें जाना होगा ऑप्शन एडिट। अब मैं इसको नीचे से स्क्रॉल करूंगी तो आप देख सकते हैं ऑप्शन प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के बाद मैं जाऊंगी ऑप्शन जनरल। आप इसको कीबोर्ड की कंट्रोल प्लस के से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ये ओपन हो चुका है। इसके बाद हमें जाना है ऑप्शन यूनिट्स एंड रूलर्स पर। यहाँ देखिए, हमारा जो रूलर्स है वो इंचेस में सिलेक्ट है और टाइप जो है पॉइंट्स में सिलेक्ट है। तो हम इसका यहाँ टाइप चेंज करेंगे, रूलर्स को पिक्सल्स में चेंज करेंगे, टाइप को भी हम पिक्सल्स में चेंज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ओके। और आप अब देख सकते हैं जो हमारा फोन साइज है वो पिक्सल्स में चेंज हो चुका है। सो फोटोशॉपर्स, आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम फोटोशॉप के बेसिक टूल्स कवर करेंगे और यह टूल्स बहुत ही यूजफुल हैं। सो थैंक यू।